दोस्तों आज आपके लिए इंडियन भाई और नेपाली भाइयों के लिए ऐसा ऑप्शन लेके आया हूँ स्लोवाकिया के अंदर। ठीक है, ये बड़ी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा, पूरी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा खर्चा, प्रोसेसिंग टाइम और कैसे अप्लाई करना है, इसका कितना समय लगेगा आपके पास में, कब तक आपका वीज़ा आपको लग के आपको मिलेगा आपके पासपोर्ट पर, तो सब कुछ आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्लोवाकिया फॉर इंडियन एंड नेपाली पीपल ओनली। ठीक है, जो मेरे भाई नेपाल में हैं, इंडिया में हैं या फिर गल्फ कंट्रीज़ के अंदर इंडियन या नेपाली नेशनैलिटी होल्डर हैं, ठीक है, उनके लिए ये ख़ास तौर से बड़ा ही बहुत ही बढ़िया मौका है ये। इसके अंदर दोस्तों वीज़ा आपका ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये वाले ऑप्शन में मैं आपको बड़ी कंपनीज जो बता रहा हूँ उसके एम्प्लॉयर्स आपको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट, वीज़ा अपॉइंटमेंट जो होती है BLS इंटरनेशनल के अंदर जिसका टाई अप स्लोवाकिया से होता है, आपको वो खुद उठा के अपॉइंटमेंट देंगे, खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत उसके ये जानकारी काम आने वाली है अगर वो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज़ में या फिर इंडिया या नेपाल में अभी है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ID मिल जाएगी और मैं नीचे भी डाल दूंगा। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमारे साथ कोई भी सर्विस लेनी हो, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग, आप मुझसे केस टू केस बेसिस पे अपनी कॉल बना के डिस्कशन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस प्लस आपको वेबसाइट और आपको मेरा डोमेन मिल जाएगा। आपने नीचे जाके मुझे ईमेल करना है, ठीक है, या फिर आपने जाके टॉप मेट के ऊपर नीचे एक लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ में कॉल बनानी है। और एक बात ध्यान रहे दोस्तों, अगर मेरे से आप बात करने के लिए कॉल बना रहे हैं तो आने की जिम्मेदारी भी आपकी है, अगर आप कॉल पे नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर आपका जो वीज़ा लगेगा वो होगा 1 साल का, नेशनल वीज़ा डी कैटेगरी, लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है ये, ठीक है। इसके अंदर अब आपको क्या खास बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल्स पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपका कितना जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लगेगा और आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे इसके अंदर। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप स्लोवाकिया का डी वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो इसके अंदर एक सर्टन सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो वहाँ पर स्लोवाकिया में एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर होगा वो सबसे पहले क्या करेगा कि इन्विटेशन आपको जो है मंगवा के देगा, जो आपका स्पॉन्सर होता है, ठीक है। अगर हमसे आप सर्विस ले रहे हैं तो हम आपको इनविटेशंस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक गारंटी लेटर होता है, उस पर साइन करके देता है एम्प्लॉयर, अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाता है आपकी, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जैसे कि इंडिया में होती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसको परमिशन नहीं देगी नेशनल एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी सिस्टम से अप्रूवल लेने के लिए, फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए कम से कम 45 दिन पहले ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है स्टार्ट करना पड़ता है एक स्पॉन्सर को, क्योंकि एक स्पॉन्सर जो कि एक स्लोवाक सिटीज़न होता है उसके हाथ में ही ये राइट्स होते हैं कि आपको वो स्पॉन्सर कर पाए एज अ फॉरेन वर्कर ऑन अ ब्लू कॉलर जॉब। अब इसके अंदर बात करेंगे ब्लू कॉलर जॉब ही क्यों मिलती है, यार ब्लू कॉलर जॉब इसलिए मिलती है, ध्यान से सुनना भाइयों, ठीक है, बड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, ये कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। देखो ब्लू कॉलर वर्कर वो होता है जिसके पास में कोई खास स्किल नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे स्किल्स क्या चाहिए यूरोप के अंदर, पहली बात तो ये, अगर आप स्लोवाकिया की जैसे हम बात कर रहे हैं ना तो हर कंट्री की यहाँ पर अलग लैंग्वेज होती है, स्लोवाकिया के अंदर भी अलग उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो उसके लिए आपको वो लैंग्वेज तो आती नहीं, पहली बात तो यहीं पर आपकी जो स्किल है वो ख़त्म होगी, ट्रेड ही आपका ख़त्म हो गया यहाँ पर। दूसरा ये है कि जिस तरह की इंडियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट डिफरेंट है, इंडिया में हो सकता है कि किसी और तरीके की जॉब ज़्यादा अवेलेबल हो, यहाँ पे किसी और तरीके की जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके प्रोफेशन के ऊपर। अगर मान लो अगर आप IT में हो, IT का स्कोप तो यहाँ पे है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का यानी कि FMCG इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। और हम क्या करते हैं कि जब देखो ये फॉरेन वर्कर को हम हायर करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, जो हमने इनविटेशंस वगैरह मंगवानी होती हैं, तो वो सब करने के बाद में हम आपका सबसे पहले ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, वर्क परमिट आपका जो है पूरा ड्राफ्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हैं जिसके अंदर हम आपको हर चीज़ जस्टिफिकेशन देते हैं, ताकि आगे जाके, ठीक है, वो जब वर्क परमिट होता है उसकी हम पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसकी क्वालिटी एक बन जाती है, पोस्टल होता है जब वो, तो उसकी एक क्वालिटी होती है वर्क परमिट की, ठीक है, जिसके ऊपर वीज़ा लगता है उसके ऊपर, क्योंकि देखो
उसके ऊपर हमने इतनी मेहनत की होती है कि हम खुद चाहेंगे कि आपका वीज़ा लगे यार। यहाँ पे मैं ना तो आपका टाइम ख़राब कर रहा हूँ ना मैं अपना टाइम ख़राब करूँगा, क्योंकि यार जब तक आपका वीज़ा नहीं लगेगा ना तब तक ये काम करने का मज़ा नहीं आता है। रजिस्टर्ड मेरे पास कंपनी है, ठीक है, तो मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि यार आप लोगों का वीज़ा लगेगा, तो आगे दो चार भाइयों का आप और बताएंगे कि भाई हमने हैरी भाई से काम करवाया था तो यार उसका मतलब उन्होंने जो काम करवाया वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन, यार हमारा कम टाइम में वीज़ा लग गया और सब कुछ हो गया। चलो अब दोस्तों मैं इसके अंदर आपको थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ कि डिटेल्स क्या हैं इसके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको। यार स्लोवाकिया के अंदर भाइयों 1000 से लेके 1200 यूरो के बीच में आपको सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये ब्लू कॉलर वर्कर की मिनिमम वेज होती है। ये बड़ी कंपनीज़ की जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर आपको फ़ायदा बड़ा होगा। फ़ायदा कैसे होगा आपको कि जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, एक तो आपका जो प्रोसेस टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने का रहेगा। 2 से 3 महीने मतलब 2 से 3 महीने। और दोस्तों जो भाई मेरा मेरे से प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है, मैं उसको प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए देता हूँ, जिसके अंदर जो बात मैं बोल रहा हूँ वही बात आपको उसमें रिटर्न मिलेगी, डॉक्यूमेंटेड मिलेगी आपके प्रूफ के लिए, ताकि भाई बंदा जो बोल रहा है वो बंदा करके देगा। ठीक है, मेरा यही एक सिद्धांत है कि भाई जो बात करनी है बंदे से, ठीक है, वो बात रिटर्न में होनी चाहिए मेरे पास में और आपके पास में, जो बंदा मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है। दोस्तों यकीन मानिए, ठीक है, अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है हमारे से काम करवा रहे हैं, हमारे से प्रोसेस करवा रहे हैं स्लोवाकिया का, क्योंकि स्लोवाकिया के अंदर वीज़ा लगने का रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम जो है हमारे पास में ऐसा भी सिस्टम है, पहले मैंने बताया था कि वर्क परमिट्स जो होते हैं, ठीक है, वो हम बेसिकली करनी होती है अपॉइंटमेंट, एक वो वाला भी सीन है, और एक जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर भी जो है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया आपको चांस है, क्योंकि इसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट सब कुछ हम करवा के देंगे, ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, इंडिया के अंदर या नेपाल के अंदर, ये स्पेसिफिकली इंडियन और नेपाली के लिए ही है। यार ओवर टाइम इसके अंदर प्रोवाइडेड रहेगा मेरे भाइयों, ठीक है, ओवर टाइम आपको एप्लीकेबल होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा आवर्स करने हैं तो आपको आपका एम्प्लॉयर जो है इस चीज़ की परमिशन दे देगा कि आप जो है कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप करना चाहो। अपने आपको खींच कर कभी फोर्स करके, ठीक है, इस तरह से मतलब काम मत करना। देखो अगर आपको पब्लिक हॉलीडे पर काम करना है तो उसका भी आपको पैसा मिलेगा। वेयर हाउस के अंदर आपका काम क्या रहता है या फैक्ट्री के अंदर नॉर्मल आपका काम रहता है? फैक्ट्री के अंदर तो आपका ऐसा होता है प्रोडक्शन लाइन के अंदर आपका काम होता है, जिसके अंदर आपको चाहे तो मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, प्लास्टिक फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री है, जिसके अंदर आपका कुछ ना कुछ एंगल वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकायदा पहले ट्रेनिंग देती है बड़ी कंपनी और उसके बाद में आपको जो है पेड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में आपका जो है TRC वगैरह का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। ठीक है, TRC आप जो है खुद अप्लाई करते हैं बट आपको एम्प्लॉयर उसके लिए मदद करता है, क्योंकि देखो ये जो TRC होती है एम्प्लॉयर बेस्ड TRC होती है, तो एम्प्लॉयर ने इसके अंदर आपकी मदद करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक वो इसके लिए आपको साइन करके राजीनामा नहीं देगा, एक तरह से आपको नहीं बताएगा कि कहाँ पे जाना है आपने, ठीक है, तो आप TRC अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे एक लेटर चाहिए होता है, उसके लिए एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जो आपको एम्प्लॉयर अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। अकोमोडेशन मिलती है आपको इसके अंदर ज़रूर मिलेगी। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे एज़ पर लेबर लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो हैं आपको बोनसेस भी देती हैं, ठीक है, जैसे आप क्रिसमस बोनस ले सकते हो या फिर इंसेंटिव होता है, ठीक है, आप एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो ओवर टाइम तो आपको मिलेगा ही, बाकी और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं इसके अंदर। आपको जो भी रिटर्न जो भी आपको मिलेगा ना वो आपका रिटर्न डॉक्यूमेंटेड होगा, ताकि आपके पास में भी एक सबूत रहे और आप स्लोवाकिया के अंदर काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको इतना पता हो कि कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करने जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे स्लोवाकिया ही क्यों? भाई स्लोवाकिया के लिए लड़के लड़कियाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है, कपल्स जा सकते हैं। अभी पहले एक टाइम था जब क्रोशिया के वर्क परमिट लग रहे थे, रोमानिया के लग रहे थे, बुल्गेरिया के, माल्टा के, है ना, जो नॉन शेंगन कंट्रीज़ हैं, साइप्रस हो गया, अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, ठीक है। अब कई भाई बोलते हैं कि यार आपके पास इतनी वैकेंसी कहाँ से आती है, आप इतने ज़्यादा वर्क परमिट कहाँ से लेके आते हो? तो भाई हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं यार, हमारे भाई B2B कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो बंदे करवाते हैं ना काम उनको हम रिज़ल्ट भी देते हैं, ठीक है। YouTube पे बहुत बंदे बैठे हुए हैं बातें करने वाले, सिर्फ उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसके पास में है, ठीक है, वो आपको अब ये बता ही सकता है। जब तक आप उससे काम नहीं करवाओगे, जब तक आजमाओगे नहीं किसी को, तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई हाँ वाकई में यार वो बंदा सही बोल रहा है, ठीक है। हमारे पास में दोस्तों है वैकेंसीज़, तभी हम आपको बता रहे हैं, तभी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको एक रास्ता दिखे। कई बंदे मेरे पास में ऐसे ऐसे होते हैं यार, यकीन मानो भाई 9-9 साल से 6-6 साल से ट्राई कर रहे होते हैं सिर्फ जाने के लिए कि शेंगेन कंट्रीज़ में किसी तरीके से हमारी अब एंट्री ही हो जाए, चाहे मैं जॉब पे नहीं भी जाना, हमारी एंट्री ही हो जाए, ठीक है। हम उनसे केस टू केस बेसिस पे डिस्कशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पता लगता है कि उनके रिफ्यूज़ल पड़े हुए हैं या कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम हुई थी पीछे जिसकी वजह से उनके वीज़े लगे, उनके पूरी फाइल हम देखते हैं यार, मतलब पूरा अच्छे से डिस्कशन करते हैं, तभी तो ये कंसल्टेशन कॉल का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। देखो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यार मेरे को सिर्फ उसी से बात करनी है कि जो बंदा ना टाइम पास ना करे, ठीक है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों। पहले मैं नंबर देता था ना तो इतने फालतू के कॉल आते थे, और आज भी, ठीक है, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है ना दोस्तों, वीडियो डालता हूँ ना जब, ठीक है, सबसे पहले तो पूछते हैं चार्जेस,
चार्जेस की यहाँ पे बात दोस्तों बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंदर अब अपने ध्यान से सुनना है। चार्जेस इसके अंदर आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 7 लाख इंडियन रुपीज़, ठीक है। पेमेंट का सिस्टम आपको पूरा कॉल पे बताया जाएगा कैसे आपने पेमेंट करनी है और कैसे सिस्टम ये पूरा वर्कआउट करता है, ठीक है। तो यार इसलिए मैंने वीडियो में ही बता दिया, ठीक है। तो जो बंदे हैं ना यार, ठीक है, बार बार मैसेज करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मैसेज मत किया करो जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है कि भाई हाँ जी चार्जेस बताओ बार बार, ठीक है। क्योंकि देखो चार्जेस आपने पूछ लेने हैं, ठीक है, आपको पता है कि चलो सही है आपके बजट में है, आप करवा सकते हो, श्योर शॉट वाला काम है, श्योर शॉट होगा। श्योर शॉट कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इसकी पॉसिबिलिटी पे चलते हैं कि 10 में से 9 वीज़े लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट मिलता है उस तरह से, ठीक है। तो अभी प्रोसेसिंग में है, तो बाद में जिनके वीज़े लगेंगे मैं उन बंदों को वीडियो में लेके भी आऊँगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जिनका जैसा जैसा प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा वो बंदे अपने वीज़े आपको रिवील करेंगे, और वो बंदे अब से मैं लेके आऊँगा, क्योंकि देखो बंदों की डिमांड थी। कई बंदे सोचते हैं कि यार नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों अपने पास में है, ठीक है, तभी तो हम आपको बता रहे हैं। कल को जिसके वीज़े लगेंगे ना, जो बंदे बात करते हैं, ठीक है, वो बंदे बात ही करते रहेंगे, लेकिन जिसके वीज़े लगेंगे ना उसका रिज़ल्ट आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा उसका रिज़ल्ट, और जब आप देखेंगे आप खुद मानेंगे कि हाँ भाई वीज़े लगते हैं, हरी भाई ने भाई वीज़े लगवा के दिए। यार जो बंदे विश्वास करते हैं ना वो बंदे काम ज़रूर करवाते हैं, बस मेरा तो यही मानना है। लास्ट टाइम भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी पीछे, मैंने अभी आपको बताया था कि ठीक है क्या मैं यूरोप में इल्लीगल हूँ, ठीक है। तो ये एक जस्ट एक मैंने वीडियो वैसी बनाई थी बताने के लिए, कई जो ब्लॉगर हैं, ठीक है, मेरे ऊपर या फिर कई गंदे गंदे कमेंट करने वाले बंदे भी हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है ना कि उनकी एक मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि उनको ये लगता है कि भाई ठीक है अब तो बस वीडियो देख देख के ना, उनकी भी गलती नहीं है, पता क्या, वीडियो देख देख के उनका दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि कोई आदमी कुछ और बोलेगा, कोई आदमी कुछ और बोलेगा, उनको खुद ही समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो काम की फील्ड है ना, ये है बहुत गंदी। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हर कोई बंदा, तीसरा बंदा कोई ना कोई स्कैम या फ्रॉड का शिकार हो चुका है, इंडिया के अंदर हो चाहे दुबई में हो, ठीक है। तो उनको ये यकीन नहीं होता इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये वाकई में भाई बंदा काम करवा भी सकता है, ठीक है, या फिर ये वो अज्यूम कर ले रहे दिमाग के अंदर यार नहीं ये बंदा ऐसा ही है, ठीक है, बस ये बात कर रहा है। यार ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपसे जब भी मैं कॉल पर आता हूँ, आप जाके मेरे टॉपमेट के ऊपर रिव्यूज़ चेक करो, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं जो डिसएग्रीमेंट करते हैं, है ना, कई बार कॉल ज्वाइन नहीं करते तो नेगेटिव रेटिंग दे देते हैं, लेकिन वो कमेंट कोई नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनके पास में कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि गलती उनकी होती है, तो वो एक तरह से चिढ़ जाते हैं कि हाँ जी यार। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यार जब वीडियो के अंदर, कि क्या होता है कि कॉल रीशेड्यूल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, दूसरे आदमी की आप टाइम की कदर करो प्लीज़, ठीक है। मैं आपके लिए, मैं ये सिस्टम इसलिए बनाया ताकि यार एक सीरियसनेस पता लगे कि जो बंदा जाना चाहता है ना, कम से कम वो बुकिंग करके मेरे साथ में सीरियस तरीके से बात करेगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई ना सीधा देखो नंबर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर दे के बंदे कॉल पे कॉल, फ़ोन सारा दिन कॉल सेंटर बना होता है, कोई फ़ायदा है उसमें, कुछ भी मज़ा नहीं है उस काम का। काम हमारा प्रोफेशनल है एकदम, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से आपको हम प्रॉपर एग्रीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। आप जब हमसे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आपको खुद पता लगेगा कि कैसी जेन्युइनिटी है और किस तरीके से हम प्रोफेशनल वे में पूरा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जी कॉल किया, आज बात हुई, कल बात हुई, परसों बात हुई, ठीक है, कुछ पता नहीं बंदे का, अप्लाई करना नहीं करना, ठीक है, वो चीज़ देखो उसका टाइम नहीं है। मैं भी काम करता हूँ, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, एडिटिंग होती है, सब कुछ सही है। दोस्तों आपको यही मैंने बस क्लैरिफाई करना था इसके अंदर कि यार देखो विश्वास करो, काम ज़रूर आपका बनेगा। यार हमें भी एक मौका दो, आपने इतनी जगह ट्राई किया, हमें भी एक मौका दो, आप करके देखो। अगर मैं कुछ पिच इन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ अपना प्रोडक्ट बता रहा हूँ, कुछ सर्विस बता रहा हूँ, तो वाकई में मैं फुल स्केल पे कर रहा हूँ ना, मेरी खुद की डोमेन है जिसके लिए मैं पे करता हूँ, ठीक है, तो ऐसी तो नहीं करता ना, कम से कम मैं कुछ जेनुअन काम कर रहा हूँ तभी तो मैं कर रहा हूँ ना, रजिस्टर्ड लाइसेंस है मेरे पास में, ठीक है, ETI नंबर है, हर चीज़ है मेरे पास। आपको ये इस बात का यकीन दिलाना चाहूँगा दोस्तों, जिस दिन से आप मेरे साथ काम स्टार्ट करेंगे ना उस दिन से आप एक सेफ हैंड्स में हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट प्रोटेक्शन गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो एग्रीमेंट के अंदर आपको मैं लिख के दूंगा, जिसके बारे में मैं आपको केस टू केस बेसिस पे कॉल पे ही समझा सकता हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये झूठे सपने दिखाऊं कि यार आप तो प्लेन में बैठ गए, ठीक है, आप पहुँच जाओगे, ऐसा हो जाएगा, मुझे पता इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पर हम बैठे हैं आपको पूरी तरह से मदद करने के लिए, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। वीज़ा ज़रूर एम्बेसी ने देना होता है, लेकिन देखो हम आपके लिए एकदम अटमोस्ट तरीके से पूरा जितना हमारा जोर होता है ना, सब हम आपकी फ़ाइल के ऊपर दिमाग से लगाते हैं, ठीक है, और हम दिमाग आपका, हम आप अपना जो पूरा दिमाग यूज़ करते हैं कि ताकि आपका जो प्रोफेशनल्स के थ्रू जो आप जो प्रिपेयर हो आपकी पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग हो वर्क परमिट की, कि वो वर्क परमिट आपका एकदम ऐसा हो कि एम्बेसी में जब जाए ना वीज़ा ऑफिसर के सामने वो देख के खुश हो जाए, बोले यार भाई ये बंदे का कॉन्ट्रैक्ट लगा है, देखो वेरीफाई हो रखा है पुलिस से, यार इसके पास में सारे अप्रूवल लेटर हैं, ठीक है, गारंटी लेटर दे रखा है, साइन एंड सील्ड है, यार क्यों नहीं आपका वीज़ा मिलेगा, खुद सोचो यार। दोस्तों वीडियो में आपको यही बताना था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, विश्वास करो, अप्लाई करो, काम आपका हम करवा के देंगे, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, किसी मेरे भाई के साथ में ज़रूर शेयर करना है जो इंडियन या नेपाली हो, दुबई में या कहीं भी किसी और कंट्री में काम कर रहा हो, डजन मैटर। ये ऑफ़र सिर्फ इंडियन और नेपाली भाई के लिए, ये वाला जो आज मैंने बताया। नॉर्मल वर्क परमिट अप्लाई करना है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपॉइंटमेंट आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपको उसके लिए BLS में जाके खुद लेनी पड़ेगी। बहुत सारे बंदे जो इस टाइम पे, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, दुबई में अपॉइंटमेंट मिल रही है इजीली, तो वो वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी नेशनलिटी के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन ये वाला जो है स्पेसिफिकली, ठीक है, ये इंडियन एंड नेपाली के लिए ही है सिर्फ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ID डाल दूंगा। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने मुझसे बात करनी हो स्पेसिफिकली, तो जाके नीचे टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करेगा। अगर मोबाइल से नहीं हो रहा तो कंप्यूटर से बनानी है कॉल, ठीक है, पेज को रिफ्रेश करना है या फिर अपने ब्राउज़र की कुकीज़ और कैश को क्लियर करना है, ठीक है, तब जाके। कभी कभी क्या होता है, वेबसाइट खुलती नहीं है, तो आपको वो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, दूसरे डिवाइस या दूसरे कंप्यूटर पे या किस पे ट्राई कीजिए, बुकिंग बनाइए और अपना केस डिस्कस कीजिए और हमें मौका दीजिए ताकि हम आपकी मदद करें। दोस्तों मिलता हूँ आपसे फिर किसी और बढ़िया शानदार कॉन्टेंट के अंदर, सर्विस लेके आएंगे कोई बढ़िया आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त और मिलता हूँ मैं आपसे अगली किसी वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में भाई को याद रखिए। बाय बाय।